ए तुम, हाँ तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें याद है कि स्कूल में पहला दिन कैसा था? क्या लगता है आखिरी दिन कैसा होगा? आप सोच भी नहीं सकती कि हालात कितने बदल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्कूल का पहला और आखिरी दिन कैसा होता है। टेस्ट देना किसे अच्छा लगता है, पर पहले कुछ हफ्तों में तो सभी परफेक्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, कपड़ों से लेकर पेंस तक। चलो डिकरा लोग, देखा देखी मत करो, ये सब हम आखिरी क्लास में कर चुके हैं। तुम कर सकती हो सोफी, कितने आसान सम्स हैं। मेरा लकी पेन हमेशा मेरा साथ देता है। वाह सोफी, मान गए, तुम टेस्ट में फर्स्ट आई हो। सच में तुम हर तरह से परफेक्ट स्टूडेंट हो। बहुत हो गए टेस्ट वेस्ट, अब तो पढ़ाई काफी बोरिंग लगती है, और वैसे भी क्लास अटेंड कौन करता है। यार एक पेन तो पकड़ा, जल्दी। थैंक्स। ये इतना चिपचिपा क्यों है? चलो करना तो है ही, बहुत चॉइसेस हैं। आंख बंद करके टिक कर देती हूँ, कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। क्या लगता है सोफी, तुम्हारा क्या होगा? क्या, मैं पास हो गई? वाह! स्कूल के पहले कुछ दिनों में हम अपनी टीचर की बहुत इज्जत करते थे और उनसे डरते भी थे। हम उनकी हर बात सुना करते थे। वो कहती थी नीचे तो हम नीचे देखते, और ऊपर तो ऊपर देखते। वो दिन को रात कहती तो हम रात भी कहते। हम थे ही परफेक्ट स्टूडेंट्स। आराम से टिकरा लोग, अब तुम जा सकता है। थैंक्स परिजात मैम। ओह देखा, बच्चे जैसे ही स्कूल में कंफर्टेबल हुए वैसे ही उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। जब चाहे तब क्लास में आती हैं और जाती हैं, और बेचारी टीचर की तो पड़ी ही नहीं है उन्हें। कल उसने मुझे मैसेज करके पूछा, क्लास अटेंड की। मैंने कहा जाओ। अच्छा है ये नई लिपस्टिक कुछ ग्रेट नहीं है ना? और सोफी तुम्हारा जैकेट बहुत कूल है, इसे मैंने हॉट टॉपिक से लिया है सेल में। यार कितना बोरिंग दिन है। चलो पेपर फाई, चलो तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। कम एंड गेट मी। ए चीटिंग मत करो यार, खामोश। उफ, ये छोकरी लोग बहुत बेजा खराब करता है। जल्दी से स्कूल खत्म हो और हम घर जाकर सल्ली बोटी खाएं। सच, गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल लौटने की बात ही कुछ और थी। हमको छोड़ा दिख रहा। ओह ब्लैक बोर्ड, कितनी याद आई तुम्हारी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मेरे दोस्त। ओह पता है लिखने में मजा ही नहीं आता था तुम्हारे बिना, वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए अब हालात कितने बदल गए हैं। कैसे हाँ लूजर्स? उफ, च्युइंगम कब से फीकी हो गई है, इसे अपनी सही जगह पर चिपका देती हूँ। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि स्कूल का आखिरी दिन कैसे गुजरे, वो तो बस चिल करना चाहते हैं। हमारा नहीं तो डेस्क का ही इज्जत कर लिया होता। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि स्कूल में बिताया वक्त हम में काफी समझदारी ला देता है। स्कूल होता ही इसलिए है ना, और स्कूल जाने की शुरुआत में पहला सबसे जरूरी काम होता है सोच समझकर प्लान किए कपड़े पहनना। हाँ ये परफेक्ट येलो टी शर्ट है, अब कौन से स्नीकर्स चूज करूँ? ओह रेड वाले ठीक रहेंगे। और बैकपैक, बैकपैक, आज तो रेड ही चाहिए, मेरे शूज से मैच करेगा। और सबसे आखिर में और सबसे जरूरी, मेरे चश्मे। हाँ ये ठीक है, तो किताबों तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हें हगे करने। क्या लुक है सोफी, हैव अ ग्रेट डे। इतने साल पढ़ने लिखने के बाद और एक ही जगह जाने से एक अजीब सी थकान आ जाती है। तो आज क्या पहना जाए? रिप्ड जीन्स, अरे गलत होल में डाल दिया। चलो कोई नहीं, मेरे सारे हुडीज कहाँ गए? एक भी पास नहीं पड़ा है। चार दिन से यही पहन रही हूँ, एक और दिन सही, किसी को क्या पता चलेगा। अरे मैंने अपना, ओह हाँ मिल गया, शायद किताबें इसमें ही होंगी। अब चश्मा कहाँ है?
रात को कुछ ज्यादा देर तक सीरियल देख लिया ना मैंने। इसे कहते हैं स्कूल लुक ऑफ द ईयर। यकीन नहीं होता कि नए स्कूल में आज मेरा पहला दिन है। वाओ! कैसी है मैम? मेरा नाम सोफी है। हेलो, कैसे हो? मैं सोफी हूँ। मेरी दोस्त बनोगी? मैं हूँ सोफी। और ये रहा मेरा प्यार का डेस्क, इसे तो मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। वहाँ आखिरी दिन पर नजारा काफी बदल चुका है। सब इसका स्क्रू ढीला हो गया है क्या? अरे, आजकल स्माइल भी नहीं करती। लगता है सारी स्माइल स्कूल के पहले दिन ही बिखेर दी थी इसने। क्या आपको स्कूल के शुरुआत की अपनी लिखाई याद है? कितने संभल कर जमा जमा कर सुंदर तरीके से लिखती थी आप, और आपका पेन भी बेशकीमती था। ओ लाला, सच में लिखाई है कि सुंदर पेंटिंग, बहुत खूबसूरत। थैंक यू मैम। सच में ये तो फ्रेम करवाने लायक है। अब क्या फर्क पड़ता है कि आपकी लिखाई कोई पढ़ सकता है कि नहीं? आपका काम है क्लास वर्क खत्म करना, फिर चाहे वो जैसा भी हो, बस हो जाए। ये क्या तरीका है लिखने का? तुम्हारी लिखाई है कि मजाक? ये पेपर तो कोई जद्दी में भी नहीं लेगा। होमवर्क एक ऐसी चीज है जो शायद ही किसी को पसंद होती है, पर स्कूल के पहले दिनों में स्टूडेंट्स के ख्यालात थोड़े अलग ही होते थे। वैसे मैम, ये पूरा फोल्डर ही होमवर्क का है। जरा एक मिनट, इस वाले में अपने कमेंट्स लिखे हैं, इसमें है थोड़ा और रिसर्च, एक कम पड़ गया था, फिर दूसरी टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज, उनको सपोर्ट करते हुए ग्राफ्स, और सबसे आखिर में होमवर्क। और मैंने एक कॉमिक स्ट्रिप भी लिख डाली है, आपको देखकर बहुत हंसी आएगी। हंसी नहीं, मैम तो रोने वाली है। सोफी, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया डिकरा? उप्स, अरे भूल गई। सोफी, तुम ऐसा कैसे भूल सकता है? मैम, मैंने कुछ तो करना शुरू किया था, पर फिर मैंने सर की चंपी शुरू कर दी और फिर इतनी रिलैक्स हो गई कि सब भूल गई। फिर मैंने डस्टिंग की, एक अधूरी किताब पढ़ी, और हाँ, एक ऑनलाइन योगा क्लास भी अटेंड कर ली थी, और फिर खाना पीना। ओ सोफी, इसका मतलब होमवर्क छोड़कर तुमने सब कुछ कर लिया। नए दोस्त बनाने के लिए लंच से बेहतर कोई वक्त नहीं होता। ये वो वक्त है जब सब आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, खाना एंजॉय कर सकते हैं, पर कभी कभी मामला हाथ से निकल जाता है और तब शुरू होती है फूड फाइट। तो हो जाए फूड फाइट। स्कूल के शुरुआती दिनों में कोई एक दूसरे से पंगा नहीं लेना चाहता, सब शांति से काम करना चाहते हैं, पर शांति हमेशा मिलती कहाँ है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, स्टूडेंट स्कूल कैफे में कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं, इतने के उनका हुलिया भी पूरी तरह बदल जाता है। तो हो जाए। छोड़ूंगी नहीं। गाजर भी कोई देखने की चीज है। कैसा लगा मेरा गाँव? मुझे कोई हरा नहीं सकता। ओए चल, किसी और को जाकर डरा। हर क्लास में एक ऐसी लड़की होती है जिसे अपने बाल लहराने का शौक होता है, फिर चाहे मौसम कोई भी हो, वो बस दिन भर सेल्फीज लेने में बिजी रहती है। शायद फैंस के लिए इतना करना पड़ता है, पर स्कूल में कभी कभी रायता कुछ ज्यादा ही फैल जाता है। इंस्टाग्राम के लिए तुम क्या क्या कर रही हो? तेज हवा का हर तरीका ट्राई कर चुकी हो। उफ, फेमस बने रहने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। हाँ, ले लिया। सब सलामत तो है ना? हाय दोस्तों, तो आपको ये सारे वीडियोस कैसे लगे? क्या आपको याद है कि स्कूल शुरू होने वक्त आप कैसे थे, और क्लासरूम में इतना वक्त बिताने के बाद आप में कितना बदलाव आया है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना। हमें यकीन है कि आपके पास भी सुनाने के लिए बहुत अनोखी कहानियाँ होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे बढ़ते कबूमर परिवार का हिस्सा बन सकें।